नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको पेड़ दिखा रहा हूँ, शायद आप लोग इस पेड़ को जानते हैं या इस पेड़ को कहते हैं मीठा नीम। तो दोस्तों, इस पेड़ को, इस पत्ती को क्या कहते हैं? तो ये पेड़ जो होता है, ये इसकी पत्ती पूरे पूरे भारत में पाई जाती है, बूटी जो है। तो दोस्तों, इस पेड़ को कहते हैं कड़ी पत्ता। जिन लोगों को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, अगर स्किन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, वो लोग इसका लेप लगाकर, लेप बनाएं और उसको अपने चेहरे पर लगाएं या स्किन के ऊपर लगाएं, जिससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अगर जिन लोगों को पेट में चर्बी ज़्यादा है या मोटे हैं, वो लोग इसमें सवेरे तड़के या सुबह उठकर 7 या 8 पत्ती रोज़ खाएं, उनके खाने से उनकी जो चर्बी है बिल्कुल दूर हो जाती है दोस्तों। और खाने में इसकी पत्ती डालने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। ये पत्ता बहुत ही लाभदायक और बहुत ही गुणकारी है। इससे शरीर की बहुत सी प्रॉब्लम जो है, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने कड़ी पत्ता नहीं खाया है और जिन लोगों को नहीं पता कि कड़ी पत्ता कैसा होता है, तो वो इस पेड़ को ध्यान से देख लें। ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है। तो और इसको डोगरी में कहते हैं गांधला। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उसको, इसकी दातुन भी होती है। जो लोग दातुन, इसकी दातुन करते हैं रोज़ सुबह, उनके दांत जो सफ़ेद नहीं होते हैं और ना ही जल्दी टूटते हैं, और दांत भी इससे मजबूत होते हैं। और दोस्तों, खाना खाने में डालने से खाना स्वादिष्ट होता है। और इसके जो, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, इसकी मात्रा भरपूर होती है इसमें, तो जिससे हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।